press the bell icon on our YouTube page and never miss another video from Clapboy. आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बॉलीवुड में तो नहीं लेकिन अपनी कॉमेडी क्लिप से मोबाइल पे राज किया है और इनकी कॉमेडी क्लिप्स देखकर मैं खुद बहुत हंसती हूँ। इन्हें लोग जेनिया के नाम से भी जानते हैं। जी हम बात कर रहे हैं आसिफ अलबेला जी की। तो जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जबानी। हाँ आइए मिलवाती हूँ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में आसिफ अलबेला की ओर से बहुत बहुत आदाब प्यार और नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजायर ते फायरवेज। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए आप मालेगांव के कॉमेडियन कैसे बन गए? जब मैं बेकरी में था पचरी करता था बेकरी में तो उस वक्त हमारे जो सेठ थे तो वो फोन रख के जाते थे कि अरे यार मतलब मैंने किसी का फोन आया तो मतलब बोल देना। तो लोग काम पे जाते तो मैं मतलब साइकिल पे मतलब जाते जाते बोर्ड देखता था किसका भी नंबर देखता था और नंबर बस वो ध्यान में रख के डायरेक्ट सेठ के फोन से फोन लगाता था। ओह माय गॉड लड़की की आवाज में। अच्छा अच्छा। हाँ कई लोग वो बुला भी लिया मैंने ग्राउंड पे। हाँ, हाँ, लड़की की आवाज में। मेरा दोस्त था। हाँ, बोले यार मेरा साला बहुत शरीफ आदमी है। बोला क्या बात कर रहा है? बोले हाँ। हाँ। बोले रुक जा आज तेको बताता हूँ। डायरेक्ट फोन लगाया उसको और बोला हेलो कहाँ रहते हैं आप? अरे वाह आइए ना यहाँ पर मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। 5 बजे वो डायरेक्ट साइकिल लेके वहीं घूम रहे ग्राउंड के ऊपर देखते घूम रहे हो। हम जाके मिले मतलब क्या रे किसको देख रहा है? बोले किसको नहीं एक से पैसे लेने के तो पैसे लेने आया। बोले तो ये शुरू से करता है। बहुत बढ़िया लड़की की आवाज इतनी अच्छी निकालते हैं। थोड़ी और कोई ऐसा डायलॉग सुनाइए जो मजा आ जाए। एक थी खानदेश में जी यानी वो केशव मुखर्जी की बहन थी। भजिए देखती थी जलेबी मांगती थी एकदम ऐसे फुल कहानी एकदम ऐसे। और वो ये चाहती थी कि उसका शोहर आंखों की तारीफ करना चाहिए। कितना जहर खाने वाला काम है। एक तो कहानी ऊपर से शोहर तारीफ करे आंखों की एकदम ऐसी। अब वो पति बेचारा घर पे बैठा है अखबार पर वो आ गई। अजी सुनो ना सुन रहे क्या? क्या है ऐसा बोलेंगे ना तुम मेरे को मैं सब समझ रही तुम्हारा क्या चल रहा। क्या चल रहा मेरा? ऐसा ना अरे मेरे को सब मालूम है। हाँ एहसान फरामोश आदमी है तू। तूने एहसान करी मेरे ऊपर बुरी गत की? मैंने तेरे से शादी करके तेरी साथ खानदान पे एहसान करा। क्या एहसान करे तुमने मेरी तुमसे शादी हुई कितनी सलामी मिली थी तुमको कितने पैसे मिले थे? लोगों ने मेरे को सलामी नहीं दिए गालियां दिए मेरे को। बोले दगड़िया तूने नवे सामान के साथ भंगार लेके आ गया। अच्छा ये बताइए आपका जो पहला वीडियो था वो कैसे रिलीज हुआ और वो कैसे बनाया आपने? हमारा ऑर्केस्ट्रा था काफ़ी दोस्त थे तो वही लोगों ने बोले यार आसिफ तू यार आवाज़ें वगैरह निकालता तो मैं मतलब शुरू से आइटम वगैरह बनाता था। बिल्कुल जैसे मिमिक्री करता था तो मेरे को बोलते थे यार आसिफ एक काम करते तेरा ना कैसेट निकालते अपन। वो बैंक से लोन लिए वो लोग ने और मेरा पहला ऑडियो कैसेट बना था मुस्कुराइए आज जुम्मा है। मुस्कुराइए आज जुम्मा है काफ़ी चला तो उसमें बस जाके खड़े हो गए थे रिकॉर्डिंग पहली बार हेडफोन लगाए थे कान में ऐसे लगाए मैं बोला यार मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा खाली वो जो बोल रहा बस वही समझ में आ रहा। तो एक 2 मिनट का एक आइटम था एक शोहर है वो बैठ के मतलब टीवी देख रहे हैं ऐसे। हाँ। टीवी देख रहे हैं उसकी जो मतलब पत्नी खाना बना रही है वहाँ से टीवी देख रहा और सिर्फ गाली दे रहा अबे कुत्ते के बच्चे मर जाएंगे भाई मत 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 तेरी जिंदगी कुत्ते से ही बदतर हो जाएगी वे मत कर। हाँ। मत फंसेगा बहुत बुरा फंसेगा। तो वाइफ खाना बनाते बनाते बोलती कौन सी बकवास पिक्चर देख रहे इतनी गाली बक रहे। बोले पिक्चर नहीं देख रहा। बोले फिर अपनी शादी की सीडी देख रहा। बोले बहुत बढ़िया सिग्नेचर का टाइम था। बोले मना कर रहा था बस वही देख रहा और क्या देख रहा इस टाइप का गेक था। तो मैंने पहली बार किया था। हाँ। तो करने के बाद ऐसा हुआ कि वो गैग की वजह से काफ़ी एकदम मैंने वो लोगों लगा यार एक नई लैंग्वेज है एक नई हैदराबादी टच में जी जी। कुछ ऐसा था तो वो काफ़ी चला। फिर मैंने 97 में मैंने काम छोड़ दिया तो जो मेरे बड़े भाई भाई थे वो लोग और ज़्यादा बोलते थे कि तू मतलब सुधरा नहीं
बाप मारी है, उनको नहीं लगता था कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, जबकि आपकी तब तक तो आपकी हिट हो चुकी थी ऑडियो के टाइम पे। मतलब ये मतलब पोर्शन ऑडियो जब मैंने मैं करने लगा, हाँ ऑडियो के पहले जब मैंने, अच्छा पहले की बात है, मतलब मैंने ये सुन पिताजी का मतलब बयान हुआ फिर ये लोग, तो मैं पूरा गुस्सा, तो उसके पीरियड में जो था जी, वो जो वक्त था, और फिर ऐसा होता था कि एक मतलब कैसेट बन चुका था मेरा पिताजी के टाइम, तो कुछ लोगों को ना फनकारों को आर्टिस्टों को, बहुत बड़ा तबका हमारे समाज में है ऐसा, जिनको जलील करने में बड़ा मजा आता जी, कुछ लोग हैं समाज में, काफी लोग ऐसा, यानी चलते चलते मजे लेंगे क्या हीरो, नंबर देना तेरा, नंबर नहीं दे रहा, मैं बोलूँगा तेरा नंबर 200 गांव का हीरो ढूंढे फिरो, इस टाइप की बातें कमेंट पास करके निकल जाते लोग। तो वो टाइम पे फिर मैं मतलब मैंने बड़े वाले भाई भाई तो सब मतलब मैंने करते थे, तो मैं घर पे जाता ही नहीं था, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आपको बताऊँ, होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ, होशियारपुर एक बहुत छोटी सी जगह है, तो मेरे को जब पूछता था कोई कि आपको क्या बनना है, तो मैं बोलती थी कि मुझे हीरोइन बनना है, तो हीरोइन बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती है मतलब, और वहाँ एक छोटी जगह पे आप बोलो मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, तो उससे बहुत बड़ा माना जाता कि अरे उनको लगता कोई परी उतर के आएगी जो हीरोइन बनेगी और ऐसा, तो बोलते थे और देखो हीरोइन जा रही है, आपने बोला ना वो बोलते थे हीरो जा रहा है, तो मेरे लिए कहा जाता था कि ये देखो हीरोइन जा रही है, इसने बनना है हीरोइन। और जब मैं बॉम्बे आई तो लोगों ने ये शर्तें लगाई थी कि देखना ऐसे ही वापस आ जाएगी, इसका क्या होना है, मेरे को नहीं पता है कि हमारे पड़ोसियों ने ये शर्तें लगा रखी हैं, और बाद में मुझे पता चला इसका, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम ये सोचते थे कि तू वापस आ जाएगी और तूने एक मकाम हासिल किया, और बहुत अच्छी बात है। कितने वीडियोज़ तकरीबन आपके बन चुके हैं? तकरीबन 40-42। और सब हिट? हाँ तकरीबन, बहुत लकी हैं आप। अब ऐसा हुआ कि वो वीडियो बने, वो अब मुझे नहीं पता था जियो आने वाला है और यूट्यूब आएगा और लोग कहने ये मतलब फिल्में सिमट के मतलब मोबाइल में आ जाएगी, हम तो यही समझ रहे थे एक घंटे का बना दो कंपनी में पैसे आ रहे, चलो ठीक है चलेगा जिंदगी भर। अब डीवीडी ख़त्म हो गया, डीवीडी ख़त्म हुआ और मतलब मोबाइल में आ गया, अब वो जो मैंने 40 फिल्में जो किया था एक एक घंटे की, हाँ। वो सब म्यूज़िक कंपनियों के पास तो था ही जी, वो जब यूट्यूब शुरू हुआ तो वो लोग ने क्लिपें काट काट के मतलब यूट्यूब पर डालने लगे, मैं 2 घर पे बैठ गया, लेकिन मैं स्टेज प्रोग्राम जो थे मेरे उससे मेरा 2 मतलब निकल गया। अच्छा कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जो कि कई बार होता है ना हमारा कोई फ़ैन हमें मिलता है अचानक और वो फ़ैन हमें कभी नहीं भूलता? मेरे साथ तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, भुसावल करके एक शहर है जी, वहाँ पर मतलब उसके दूर कुछ गाँव था, वहाँ पर गए तो मैं बैठा, अरे वो जैने आया, तो मैं घर में छुप गया, 3-4 लड़के आए, बोले यार मेरी बहन से मिल लो आके, वो मतलब लड़की का नाम कौसर था। अच्छा तो इतनी बातें कर रहे उसकी, अरे यार मेरी बहन इसी फैन है, अरे यार वो दिन रात ऐसा करती, अरे तुम्हारे डायलॉग बोलती, ये करती वो करती, मैं बोला चल भैया मिल लेते, मैं जब गया वहाँ पे, मैं 7 की लड़की, 7 साल की लड़की और दोनों आँखों से ब्लैंड, ओ मैं वो लोग को घूरने लगा, मैं बोला ये लोग मेरी मजा तो नहीं ले रहे, क्योंकि एक दोनों आँख से मतलब नाबीना लड़की जो देख नहीं सकती, तो वो मतलब मैंने मेरी मतलब वीडियो कैसे देखी, हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैंने पूछे मतलब क्या है मजा ले रहे मेरी, हाँ ये बच्ची ऐसी और तू ऐसा, बोले यार सुनो ये बोले डीवीडी लगा देती और बोले सिर्फ स्पीकर के पास कान रख के सुनते रहती, ओ सो स्वीट, बिल्कुल वो बहुत खतरनाक, मतलब मैं भूल नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मैंने बहुत अच्छा, आप अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ कितने इमोशनल भी हैं, और कहा जाता है ना कि अगर वो फीलिंग्स ना हो तो एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट बन नहीं सकता, बिल्कुल, तो आप अपने फैंस को कितना प्यार करते हैं और इसीलिए आप आज इस मकाम पे हैं, इतनी शोहरत पाई है, इतना लोग आपको पसंद करते हैं, तो कोई ऐसा और ड्रीम है आपका जो आप चाहते हैं कि अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, वो चीज़ मिलनी चाहिए थी? हाँ ये बात तो है, हर किसी का एक ये होता सपना, बिल्कुल,
हमारा भी यही था, बॉम्बे बॉलीवुड। मेरा शहर इन्हें बम्बई से 300 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस है जी। ये 300 किलोमीटर पास करते करते आज 20 साल हो गए। ओ 20 साल लग गए, वो भी आज यहाँ पे बैठो।